नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशिल इस कार्य कर्म में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रहण, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। एक अत्यधिक चौंकाने वाली और भयावह स्थिति का निर्माण हुआ पड़ा है कोरोना वायरस नाम की बीमारी से। पूरे विश्व के लगभग 200 राष्ट्रों को, कई राष्ट्रों को बहुत बुरी तरीके से, चीन, इटली, अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, सभी को बहुत बुरी तरीके से मार दी है। भारत में भी थोड़े से पैर इसने पसार दिए हैं। तो क्या ये समस्या लगातार हमें तंग करती जाएगी? ऐसा नहीं हुआ करता। सूर्य ग्रहण था दिसंबर 26 को, उसका पूर्व प्रभाव लगभग 15-16 दिसंबर से आ गया था। तब से इस समस्या ने पैर पसार लिए थे चाइना में, उसका तेजी से बढ़ती जा रही है। तो क्या कोई ऐसे ग्रह हैं जो इस समस्या को रोक सकते हैं और हमें इससे मुक्ति मिले, हम जो है इससे थोड़ा सा शांत हो लें? पूरा देश भारतवर्ष में ज्योतिष विद्या बड़ी महत्वपूर्ण है। जब दवाई का कुछ तोड़ नहीं मिल रहा, कोई वैक्सीन नहीं बनी, तो यदि हमें अंदाजा हो जाए आने वाले 3-4 महीने में क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमें जरूर सोच विचार करनी चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ग्रहण के आसपास खराब थे जब ये स्टार्ट हुई थी, वही ग्रह अब ठीक होने जा रहे हैं। तो संभावना है कि इस समस्या से छुटकारा मिलने का समय आरंभ हो गया। कौन से ग्रह हैं? पहले ग्रह हैं असुर गुरु भगवान कृष्ण से जो जुड़े हुए हैं, भृगु, भगवान भृगु शुक्र। वृश्चिक राशि में 28 मार्च को प्रवेश करके 1 अगस्त तक रहेंगे। इसमें बहुत बड़ा छुटकारा मिलने का योग बनता है। दूसरे ग्रह हैं गुरु नीच होकर अपनी नीच राशि मकर में आ रहे हैं। 30 मार्च को प्रातः 3:54 से 30 जून प्रातः 5:29 तक शनि पहले से ही इस समय में रहेंगे, लगभग 4 माह, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो इस वजह से बृहस्पति को जून तक, जब तक मकर में रहेंगे, नीच भंग प्राप्त है। दूसरा कारण ये भी है कि मंगल में साथ में ही चल रहे हैं, 4 मई तक मंगल भी चल रहे हैं इस समय में, तो नीच भंग दूसरा प्राप्त हो रहा है इनको। तीसरा जो है मंगल ग्रह जो है 4 मई से 18 जून कुंभ राशि में जाएंगे। वहां पर जाके भी इनकी जो दृष्टियां जिस प्रकार पड़ेगी, वो भी कोरोना वायरस को खत्म करने में सहायक होगा। सबसे बड़ी जो ग्रह स्थिति है वो है सूर्य का 13 अप्रैल से 14 मई में मेष राशि में जाना। देखिए, 13 अप्रैल के बाद ही भारत में स्थिति बिगड़ी है। 13 अप्रैल के बाद बिगड़नी शुरू हुई थी। 14 मई को सूर्य का जैसे ही मेष राशि में प्रवेश होगा, सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई सूर्य का जो उच्च का मेष राशि में भ्रमण है, ये बहुत हद तक हेल्प कर देगा इस बीमारी को नियंत्रण में लाने के लिए, खत्म करने के लिए। फिर सूर्य उसके उपरांत 14 मई से 14 जून वृश्चिक राशि में रहेंगे। 13 दिन ये अपने नक्षत्र में ही रहेंगे, कृतिका नक्षत्र में रहेंगे 27-28 मई तक। इसलिए पूरे समय में ये ठीक हो जाएंगे। परंतु मंगल का जो 4-5 मई तक का भ्रमण है, उस तक ये समस्या को ठीक कर चुका। बाकी 2 ग्रह और हैं, राहु मिथुन में और केतु धनु में उच्च है। सो शुक्र, शनि और मंगल, रुचक और शश इत्यादि पंच महापुरुष लोग इतने प्रबल बन गए, इस समस्या का निवारण होना लगभग संभव है। जिस प्रकार दुनिया इसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रही, तो ग्रह हिंट दे रहे हैं कि प्रकृति, नेचर, मौसम, ग्रहों का बदलना इसको रास्ते पे ला सकते हैं। हर लगन के बारे में मैंने बात किया, मेष से लेकर मीन तक। अब मैं मीन लगन पे क्या होने जा रहा है ये बात करने जा रहा हूं। मीन लगन में शुक्र जो है आयुष होके 3य भाव में चले जाएंगे। परंतु आपका मीन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में करें। इस प्रकार का चित्र स्क्रीन पे आएगा। ऊपर के खाने में यदि 2 नंबर लिखा हुआ है, सॉरी 12 नंबर लिखा हुआ, तो समझिए आपका मीन लगन है। यदि आपको लगन नहीं मालूम, राशि मालूम है, तो भी ये वर्केबल है आपके लिए। तो शुक्र आयुष को होकर जो इस स्थान पे जा रहे हैं तृतीय स्थान पे, आयु को सुरक्षा देंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि लग्नेश जो बृहस्पति है एकादश भाव पे जाके शुक्र पे दृष्टि देंगे तो कोरोना की समस्या आपको है नहीं। अब मानसिक तनाव जरूर हो सकता है कोरोना की वजह से, उसका कारण क्या है कि शनि भी साथ में है और शनि एक मुख्य कारण है इस बीमारी को बढ़ाने के लिए। दिसंबर से और विशेष करके जनवरी 24 के राशि परिवर्तन के उपरांत तो गुरु शनि के साथ जाके इसको नियंत्रण में लाएंगे, साथ में मंगल उच्च होंगे तो भाग्येश है मीन लग्न के, तो तीनों ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपका जो कोरोना का जो है समस्या का निवारण होता लग रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मीन लग्न में जैसे ही सूर्य 13 अप्रैल को लग्न से द्वितीय भाव में चले जाएंगे, उच्च हो जाएंगे, बीमारियों से मुक्ति का समय तो 13 से शुरू हो जाएगा, 13 तारीख से। यद्यपि सुरक्षा आपको 28 मार्च और 30 मार्च से मिलनी शुरू हो चुकी है, 13 अप्रैल से आप पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और ये 13 जून तक मीन लग्न में जो फेफड़ों का ग्रह, क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़ों और रेस्पिरेटरी कॉर्ड को दोनों को ज्वाइंटली अफेक्ट कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी कॉर्ड को तो शुक्र ने प्रोटेक्ट कर दिया। लंग्स का जो ग्रह है वो है बुध, बुध लग्न में आ जाएगा 7 अप्रैल को और साथ में सूर्य हुआ, तो आपको ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान 7 से 14 अप्रैल, और सूर्य 14 अप्रैल को निकल जाएंगे, सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। परंतु बुध जो है मीन राशि में चलते रहेंगे 24 अप्रैल तक, तो आपको 24 तक ज्यादा विशेष ध्यान रखना है, परंतु सुरक्षा आपको मिल जाएगी। ये तो हो गई आपके स्वास्थ्य की बात। जॉब कैरियर एजुकेशन की बात करें तो जॉब और कैरियर के हिसाब से अच्छा है सब। शिक्षा में हैं आप, बृहस्पति का फील्ड है, लॉयर हैं, सीए हैं, फाइनेंसर हैं, बैंकर हैं, प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, फार्मासिस्ट हैं, जमींदार हैं, फौज पुलिस सुरक्षा और डॉक्टर, कुछ भी किसी फील्ड में भी हो सुरक्षित हैं, कार्य ठीक चलेगा। हो सकता है कि आप में ज्यादातर लोग औरों की तरह घर में बंद ना हो, मीन लग्न के कहीं ना कहीं वो बाहर निकल गए हों, उनको फायदा रहेगा अपने नेचर ऑफ जॉब की वजह से। फौज है, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको फायदा रहेगा। जो शिक्षा में जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। शनि और मंगल इनको विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, और किसी भी क्षेत्र में ये पढ़ रहे होंगे, विशेषकर कला साहित्य संगीत का भी क्षेत्र है, अच्छे रिजल्ट्स आए। अब बात करें हम इस ग्रह स्थिति में कि मैरिज एंड हेल्थ। मैरिज और हेल्थ का जो क्षेत्र है, मैरिज और बिजनेस का, ये थोड़ा पर्सनल लाइफ में तनाव रह सकते हैं 14 अप्रैल तक, विशेष करके 7 से 14 अप्रैल तक ज्यादा है। उसके बाद 24 अप्रैल तक थोड़े कम हो जाएंगे, 24 अप्रैल के बाद में तनाव काफी कम हो जाएंगे। 9 मई के उपरांत 24 अप्रैल को ये मीन से निकल के मेष में चले जाएंगे, वहां सूर्य है, ये बुध बदलेंगे अपनी राशि शुक्र के साथ चले जाएंगे 9 मई को। उसके उपरांत आपकी मैरिड लाइफ ये सब चीजें ठीक है, व्यापार का ठीक है, नया व्यापार करना हो ठीक है, विदेश जाना हो तब तक हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से जो फ्लाइट्स इत्यादि रुके हैं, रास्ते रुके खुल जाएंगे। सो 9 मई के उपरांत आपका आगे का समय सारा ठीक है, उसके लिए आप जा सकते हैं। रिश्तों की बात करें, रिश्ते आपके कहीं पे भी खराब नहीं, आपको सिर्फ एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो है बच्चों। तो शनि मंगल बृहस्पति की दृष्टि तीनों की पंचम भाव पे होने से जो लोग न्यूरो की समस्या है, गायनी की समस्या है, प्रेगनेंसी की समस्या है, उनको ज्यादा ध्यान रखना। देखिए कोरोना का जो समस्या है इसमें जो ये आप इन होम आप लगातार बंद हो गए, तो आपको आइसोलेशन या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इस लगन के लिए विशेष रूप से, वैसे किसी भी लगन के लिए थोड़ा बी कम्प्लेक्स लेते रहें। चने की दाल बी कम्प्लेक्स वीक में एक ले लिया आपने, एक वीक के लिए जब तक ये चल रहा है, चने की दाल, केला, पपीता, इत्यादि, ये हरे पीले रंग की चीजें हैं, सेब, इनको लेते रहें। और सिर्फ घर से 2 कदम बाहर निकल के यदि धूप आ रही है तो धूप लेते रहें, जिससे डिप्रेशन से आप बाहर आए। ये करते रहें। कुछ उपाय और है, वो ये है कि घर से बाहर तो आपने निकलना नहीं है, यानी कि आप सुरक्षित है फिर भी नहीं, परंतु पीला, पुखराज, मूंगा और मोती तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा रहता है, एज आपकी 60 से ऊपर है और लीवर इत्यादि ठीक नहीं है, खान पीन के शौकीन है, तो पीला, पुखराज, पन्ना, धता, मोती ये तीनों धारण किए रह सकते हैं। अब इस समय तो बाहर बनवाने जा नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं कि जैसे बुध के लिए ओम भ्रामरी बुधाय नमः, और चंद्र के लिए ओम सा चंद्राय नमः, अथवा भगवान शिव को लगातार ये पूरे समय शहद और शहद, देसी घी और गंगा जल में दूध, ये 4 चीजें, देसी घी, शहद, गंगा जल और दूध, ये आप जो है इनसे शिवलिंग पे करते रहें। लगातार घर में शिवलिंग का अभिषेक करते रहें। मानसिक तनाव के लिए भ्रामरी और अनुलोम विलोम अच्छे रहेंगे। हार्ट पेशेंट्स ना करें और गर्भवती महिलाएं इसे ना करें, बाकी सब कर सकते। इसके अतिरिक्त जो है जैसे नवरात्र चल रहे, यदि तनाव, झगड़े, मुकदमे इत्यादि के हैं, आप 3 मंत्र विशेष रूप से, जैसे भक्ति लक्ष्मी द्वितीय चरित्र जो है दूसरा शब्द का, उसे कर सकते हैं। और भक्ति बगलामुखी यदि झगड़े मुकदमे चल रहे हैं, या भक्ति चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका, उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भक्ति बगलामुखी का इस प्रकार है, ओम लीम बगलामुखे सर्व दुष्टानां वाचं पदं स्तंभे जीवा प्रिय बुद्धि विनाशे। नमस्कार, धन्यवाद।